नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत। आज विभाग में हम फिर से एक ऐसी कड़ी को लेकर के आए हैं जो उस कड़ी से अगले कड़ी को जोड़ता है। मतलब हम आज बात फिर करनी सेना की करेंगे। और कौन है करनी सेना का रियल, जिसको मैं बार बार ये बात बोलने की, कोई कौन है असली या नकली, ये बार बार बात उठती है। क्योंकि आपको पता है कि करनी सेना तीन भागों में बढ़ चुका है और करनी सेना तीन भाग में चल रहा है। हम उस करनी सेना से भी जानेंगे कि आखिर असली मालिक कौन है। इससे पहले आपने देखा था करनी सेना के संस्थापक जो जिससे हम बात कर रहे थे, सुखदेव घोगा मेड़ी के बारे में, उन करनी सेना से उनसे बात हुई थी। आज जिनके बारे में कहा जाता है अगर समाज में किसी का नाम आता है और करनी सेना की पहचान होती है तो लोकेंद्र सिंह कालवी का बार बार नाम आता है। इसलिए कि समाज के उस औहदे को बनाने वाले और उस जाजम तक पहुंचाने वाले लोकेंद्र सिंह कालवी का नाम मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि इस समाज को ऊपर तक ले जाने में कहीं ना कहीं उनका अहम योगदान है। तो आज हम लोकेंद्र सिंह कालवी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोकेंद्र सिंह कालवी से बात करने की कोशिश की थी हमने, लेकिन उन्होंने ही अपना एक, जिनके बारे में कहते हैं मकराना, महिपाल सिंह मकराना, उनको भेजा यहाँ पर। और हमसे जो आज रूबरू की बात करें बेबाक बातों में शामिल होने के लिए, आज हमारे साथ महिपाल सिंह मकराना मौजूद है। सीधा चलते हैं उनसे बात करने के। महिपाल जी, आपका स्वागत है बेबाक में। तो महिपाल जी, ये बताइए, जिस तरह से करनी सेना की बात आती है और लोकेंद्र सिंह कालवी का नाम आता है, उसमें आप असली हैं, सुखदेव घोगा मेड़ी नकली हैं, या वो असली हैं, या अजीत सिंह मामडोली जो कि बार बार ये कहते हैं कि मैं असली हूँ? ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी जो चैनल को देख रहे हैं उनको सबको जय माता दी, नमस्कार। राजपूत करनी सेना 23 जुलाई 2006 को बनी थी और नवरात्रा का प्रथम दिन था, और किसी को मालूम हो तो चित्रकूट स्टेडियम में इसकी पहली स्थापना का जो पहली मीटिंग थी उसमें मैं खुद था, जहां आप जितने भी नाम ले रहे हो वो वहां नहीं थे वो लोग। और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पहला प्रदेश अध्यक्ष, नो डाउट हमने अजीत सिंह मामडोली को बनाया था, जो इसकी स्थापना दिवस के कुछ दिन बाद में, 10-15 दिन बाद में हमने अनाउंस करा, क्योंकि वो खुद भी वहाँ पहली उस मीटिंग में नहीं थे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और कालवी साहब का एक विज़न है, एक विचारधारा है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, न कि मैं आदमी से जुड़ा हूँ। इनके पिताजी जो थे कल्याण सिंह जी कालवी, उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत राजपूत समाज के लिए कार्य किया। वो कई बार यहाँ राजस्थान में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी वो ऊर्जा मंत्री थे, जो सबसे पावरफुल मंत्रालय होता है उस मंत्रालय पे वो रहे। और बात आती है समाज की, तो जब तक वो राजनीति में थे, जब तक वो थे, उन्होंने अपने समाज को सर्वोपरि माना, चाहे वो देवराला सतीकांड हो, चाहे ये जो भूमि का जो आंदोलन उन्होंने खड़ा था राजपूतों के लिए, जो उनकी ज़मीनें जारी थी सीलिंग एक्ट में, तब भी राजपूत समाज के लिए जो एक खड़ा होके किसी ने अगर आवाज़ उठाई तो कल्याण सिंह जी कालवी थे। और उसी विरासत को अगर आज तक कोई बनाए रखे हुए है, और रेगुलरली, यानी कि बीच में एक साल आ गए, पाँच साल चले गए, नहीं, राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर अगर किसी ने इस राजपूत समाज को कुछ दिया है तो वो लोकेंद्र सिंह जी कालवी है, जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी के पच्चीनों पे चलते हुए, राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे ऐसा नाम अगर आप दूसरा बता दें, आप कोई सुझा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि रेगुलर 99 से जब राजपूत समाज के खिलाफ हमारी ही बीजेपी सरकार ने, वाजपेयी जी ने यहाँ राजस्थान आकर जाटों को जब वो आरक्षण दिया था, उसी दिन, उससे 5 दिन पहले 7 दिन पहले इन्हीं कालवी साहब ने, जो केंद्रीय कार्यकारिणी में थे बीजेपी के में, और यहाँ की टिकट वितरण समिति में थे, जो यहाँ टिकट बांटा करते थे, उस ओहदे से बिना टाइम लगाए इन्होंने समाज के लिए वो त्यागपत्र दे दिया इस बीजेपी से। क्यों? क्योंकि जिस करनी से, जिस भाजपा को, जिस बीजेपी को राजपूत समाज ने 70 सालों में यहाँ तक लाके खड़ा करा है, उसी पार्टी ने उस जाति को आरक्षण देने को तैयार हो गए जो ऑलरेडी सक्षम है, और जो जाति जिसने खड़ा करा बीजेपी को उसका दरकिनार किया गया कहीं ना कहीं। तो इन्हीं कालवी साहब ने 99 में इस्तीफा दिया था, और आज तक चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्रशासनिक प्रताड़ना की बात हो, कालवी साहब के अलावा खूब सारे लोग, ये नहीं है कालवी साहब के अलावा नेता नहीं है, पर वो
उसी दरमियान मतलब वो कोई एक दो मुद्दों पे आकर फिर चले जाते हैं अपने राजनीतिक, जो उनका अगर मोटिव पूरा हो जाता है वो वापस अपने राजनीति में चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। पर कालवी साहब ने राजनीति को दरकिनार करके, राजनीति को साइडलाइन करके, सामाजिक जो एक मन में पीड़ा थी, समाज के लोगों के प्रति जो एक जो माहौल खड़ा था लोगों में छत्तीस को में, उसको कहीं ना कहीं पाटने की कोशिश कर कालवी साहब ने करी, समाज के लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए हमेशा समाज के आगे आके खड़े रहे, ये कालवी साहब है। और अगर कोई कहता है कि हमारी असली है उनकी नकली है, सन 2006 में बनी थी, 11वां साल अभी हमने 10 दिन पहले, अभी जो जुलाई गया तब हमने अभी पिछले महीने ही मनाया है। और रही बात असली नकली की, तो चाहे ये जितने भी मुद्दे अभी समाज में चल रहे हैं, चाहे राज परिवार का मुद्दा हो, चाहे भंसाली प्रकरण हो, चाहे अनंतपाल इनकाउंटर हो, आप सबने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, भंसाली भी मेरे ही नेतृत्व में। चले मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए महिपाल मकराना जी, आप पढ़े लिखे हैं, समाज के साथ आप जुड़े हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं, क्या मिला आपको और क्यों कर रहे हैं? अब मैं बार बार बोलता रहता हूँ, सामाजिक मंचों से भी बोलता रहता हूँ, अगर आपको किसी भी प्रतिफल की, प्रतिफल मतलब उसके आउटपुट की, अगर आपको कहीं लगता है कि आउटपुट चाहिए मुझे, तो आप समाज सेवा में गलत हो। समाज सेवा में उस व्यक्ति को आना चाहिए जिसको किसी चीज़ की डिमांड नहीं हो, जिसको किसी चीज़ के अंदर से कोई वो नहीं हो कि मुझे ये इसके बदले ये मिलेगा। समाज सेवा के बदले कुछ मिलेगा अगर इस लालसा से आप समाज सेवा में हो, तो शायद आपको अविलंब अभी के अभी इस सेक्टर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा से कुछ मिले कि नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समाज सेवा की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कोई आप समाज को, आपने कहा कि समाज सेवा का मतलब ये है कि इसके बारे में आउटपुट ना सोचा जाए, इसके बारे में हमें समाज को देना है, आपने ये सोचा। आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि हम राजनीति करने नहीं है, हम समाज की सेवा करने हैं, हमारा काम राजपूत जो समाज है वो सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है, आपने ये बात बोला। लेकिन यदि अगर इस बात समाज की जाती है, तब कहीं ना कहीं फिर ये बात आता है कि लोकेंद्र सिंह कालवी तो टिकट के लिए लड़ते हैं। टिकट के लिए तो हमने आज तक डिमांड नहीं करी, आप मुझे बताओ ना कहाँ टिकट की बात हुई है कभी? उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, नहीं चुनाव इससे आने 99 से पहले लड़ा, चुनाव लड़ा उन्होंने 91 में 92 में, अभी तक उसके बाद में कोई चुनाव नहीं लड़ा। क्या वो बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है? बीजेपी में है, तो मैंने यही तो बताया 99 में बीजेपी को इसीलिए इस्तीफा दे दिया, वो तो केंद्रीय कार्यकारिणी में थे, इससे बड़ी तो कोई कार्यकारिणी नहीं होती। केंद्रीय कार्यकारिणी में होने के बाद केवल इस बात पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अगर समाज की बात आती है, जाट को आरक्षण राजपूत को दरकिनार करके दिया जाता है, तो उन्होंने अविलंब इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी, किसी ने यहाँ से किसी ने बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता ने व्यंग्य करा था कि वाजपेयी जी का विरोध कौन करेगा बीजेपी में होते हुए, तो यही कालवी साहब थे जिन्होंने बोला अगर विरोध की बात आती है तो कालवी करेगा। जब बात आरक्षण की आती है, जाटों का आरक्षण की बात आई, तो उन्होंने विरोध किया, क्या आज राजपूतों को आरक्षण मिला? आरक्षण मिलना नहीं मिलना एक बात नहीं होती, उसके लिए लड़ना बात होती है, इनके हाथ में जीतना था। हमने राजस्थान में करणी सेना के बैनर से 3 बड़ी बड़ी जो लाखों लोगों की रैलियां हैं, हमने एक बार विद्याधर में करी है, एक बार भवानी निकेतन में करी है, और मैं जब खुद प्रदेश अध्यक्ष था पिछली बार 2013 में, 13 जनवरी 2013 को अमरूदों के बाग में हमने लाखों लोगों की भीड़ केवल आरक्षण को लेकर करी है। अब देखो ऐसा है कि जो सरकारें हैं, बीजेपी की जो अभी मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके हाथ से लिखा हुआ लेटर हमारे पास पड़ा है कि अगर मुझे धौलपुर के राजा के तौर पर अगर मेरा आरक्षण मुझे छोड़ना पड़े और राजपूत को अगर इसी आधार पर आरक्षण मिलता है, तो मैं अभी के अभी उस आरक्षण को छोड़ने के लिए तैयार हूं, और वो लिखने के बाद मुकर जाती है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? 2003 में अमरूदों बाग वाली घटना आपको पूरी आप इससे वाकिफ होंगे, क्या आपको लगता है 2003 में जो घटना घटित हुई, जिस तरह से वहां मार पड़ा लोगों को, आप सारे कुछ जानते हैं, वैसा विरोध या वैसे आरक्षण को लेकर के फिर दोबारा क्यों नहीं उठा? क्या डर गए या भागने की स्थिति में है कि नहीं आज नहीं तो कल फिर हटेंगे हम पीछे? ना ऐसा है कि वहां कोई डरने और भागने की स्थिति नहीं थी, वहां जो लाखों लोग अमरूदों के बाग में आए और वहां किन्हीं चंद लोगों ने जो सरकार से मिले हुए थे, जो सरकार के इंस्ट्रक्शन पर चल रहे थे, उन लोगों ने कालवी साहब का और देवी सिंह जी भाटी का विरोध करा मंच से, और उसी विरोध के उसी विरोध को देखते हुए वहाँ की आम जनता ने, आम राजपूत ने बाकायदा भाटी साहब को कंधे पे बिठा के, कालवी साहब को कंधे में बिठा के उधर स्टेज की तरफ गए, और कुछ खरीदे हुए चंद गुंडे
जो सरकार की तरफ से थे, उन लोगों ने कालवी साहब का और भाटी साहब की पगड़ियां और टोपियां उछाली, जिसके बाद में समाज के लोगों का कहीं ना कहीं अंदर का विश्वास खंडित हुआ कि हमें इकट्ठा होकर ऐसे तोड़ा जाएगा। ये राजनीतिक बकायदा एक षड्यंत्र था जिसको समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, और 2006 में करनी सेना जब वापस बनी, उसी एकता को वापस से लाने का काम करनी सेना ने किया है। और आज आप देख रहे होंगे पूरा देश का राजपूत राजस्थान के राजपूत की तरफ इसलिए देखता है कि इतने बड़े बड़े बिखराव के बाद भी राजपूत वापस खड़ा हुआ है, यूनाइट हुआ है। आप अनंतपाल इनकाउंटर में देखा होगा आपने, सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाएं वहां एकजुट एक जाजम पर थी। एक दो आदमी अगर कोई बाद में बात करे तो उसको काउंट नहीं किया जाता, जब लाख लाखों करोड़ों लोगों की बात आती है तो चंद हजार लोग अगर बकवास भी करते हो तो उनको इग्नोर किया जाता है। और हम मैं आज युवाओं की तरफ से आपको बोल के जा रहा हूं यहां आपके इस चैनल के माध्यम से, हमारा राजपूत एकजुट है। अगर कोई भी अगर उसकी अखंडता एकता में कोई अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो शायद कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट है, कहीं किसी से राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, नहीं तो मेरे मुंह से अगर आप बता दो कि हम कभी भी राजपूत के खिलाफ बात करते हैं, अगर कोई हम पे सीधा सीधा आक्षेप उठाए, हमारे कालवी साहब का ही किनारा है। हमें जवाब केवल कर्म करके देना है, कर्म में जो शक्ति है वो चोट आपकी आपकी चुप्पी भी अखबारों की सुर्खियां बनेगी अगर आप कर्म करके दिखाएंगे तो। ये जबरदस्ती का माहौल प्रोपेगंडा करना हमारा काम नहीं है, ये तोता जनार बाजे घना, ये हम न तो करते हैं न हमारा काम है। हमने काम करके दिखाया, चाहे आप कोई सा भी मुद्दा देख लीजिए, चाहे बंसाली देख लीजिए, चाहे इनकाउंटर अनपाल देख लीजिए, और चाहे कोई राजपरिवार का मुद्दा देख लीजिए, हर मुद्दे पर आप विभाग से बात कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर बात हो रही आपने विभाग से जवाब दिया। जहां तक बात आती है पद्मावती का, तो पद्मावती का विरोध क्यों और कैसे और क्यों कर रहे हैं आप लोग, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? 30 जुलाई 2016 की मेरी फेसबुक आईडी है, पेज है, उस पर बकायदा एक राजस्थान पर्यटन विभाग का एक साइट है अपने राजस्थान की, उसको हैंडल कोई बम्बई का आदमी कर रहा था, बम्बई की एक फर्म कर रही थी, उसमें लिख दिया गया उन लोगों ने लिख दिया कि प्रेमिका थी पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी की। हमने उसको बकायदा मेरी उसकी फोटोग्राफ्स है, उसके विरोध के टोटल कागज हैं, कागजात वगैरह मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैंने बकायदा उस मेरी पूरी टीम ने मिलके उस जो वो जो फर्म थी बम्बई की जो ये काम करती थी अपने यहाँ का हैंडलिंग करती थी अपने पर्यटन विभाग की साइट को, उसको हमने ब्लैकलिस्ट करवाया। फिर उसके 10-15 दिन बाद में हमें मालूम चला कि पद्मावती पे फिल्म बना रहा है बंसाली नाम का डायरेक्टर। हमने बकायदा 6-7 महीने तक उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी, भाई कैसे भी, जो फ़ोन से कॉल से, हमने जो भी व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, जिस जो जो तरीका, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, उनके ऑफिस में हमने लोग भेजे, भाई क्या बनाना चाह रहे हो, अच्छा बनाना चाह रहे हो तो हम खुद चाहते हैं राजपूत को अच्छा दिखाएं। अभी बाहुबली फिल्म आई थी, 1000 करोड़ रुपये राजपूत को अच्छा दिखा के, क्षत्रिय को अच्छा दिखा के कमाया, तो आप ये कन्फर्म करें। उसी दरमियान रणवीर सिंह जो इसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने एक अखबार में इंटरव्यू दिया, एक इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश अखबार है, उसमें कि अगर विलेन के तौर पे भी मुझे अगर ये जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण के साथ इन स्क्रीन पे रोमांस का अगर मौका मिले तो मैं विलेन का किसी भी तरीके का रोल करने को तैयार हूँ। इसका मतलब वो अलाउद्दीन तो बोल रहे हैं पर उसको कहीं ना कहीं रोमांस का सीन भी उसमें डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमने जो ऑब्जर्व करा, हमें किसी ने नहीं करा कि इसकी स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट तो वही जाने क्या है, पर अगर इस टाइप के अगर वो कोई उसके हीरो हीरोइन इस टाइप के अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम इससे क्या माने, और हमें दिखाने को तैयार नहीं था। और उस पूरी चीज को दरकिनार करके 2016 से लेकर 2017 तक पद्मावती के फिल्म का विरोध कर रहे हैं, 1 दिसंबर को रिलीज हो रहा है, एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं और एक तरफ एक लेटर वंशाली का खूब वायरल हो रहा बहुत तेजी से। आप 5 संगठन या 5 राजपूत समुदाय जो भी संगठन है बना रखा है, उन 5ों ने मिलकर एक पद्मावती का आप लोगों ने आपस में तालमेल कर लिया, या कहें उसको साठगांठ कर लिया, या कहें उसको लेन देन कर लिया, ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। और वो लेटर जो है बंसाली का, वो बंसाली प्रोडक्शन की तरफ से वो लेटर मेरे पास में मौजूद है, उसमें पूरा आप पढ़िए और बताइए, पूरे दर्शकों को बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या उसमें मतलब हमने किस चीज के लिए हाँ भरी है। नहीं, ये तो मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये खुद आपसे जानना चाहता हूँ, ये बंसाली के प्रोडक्शन हाउस से आपको मिला है तो आप लोगों ने 5 जो संगठन मैंने बात किया उस 5 संगठन के तौर पे आपने इनके साथ किया, सीधी से बात, ये खूब वायरल हो रहा अभी आपके ही उससे, चाहे फेसबुक से, चाहे ट्विटर से, गूगल से, ये वायरल हो रहा। आखिर मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। 27 जनवरी को जब बंसाली जी हमसे पिटके गए, जिसमें मैं खुद लीड कर रहा था उसको,
और कोई खूब सारे लोग अलग अलग जोर जोर से बोल रहे हैं बंसाली पिटके गया, बंसाली पिटके नहीं भाई, गोलियों की बौछार में राजपूत युवाओं ने बंसाली को पीट के भेजा था। और देख लीजिएगा वीडियो ऑनलाइन है, बकायदा गोलियां चल रही है, वहां ये बंसाली पिटा है। ऐसे ही नहीं पिटा है बंसाली, कोई यूं ही नहीं है कि जाके हलवा थोड़ी है बंसाली आके खा लिया। अगर वहां अगर हम जिम्मेदारी लेके दो घंटे तक नहीं बैठे रहते तो शायद 2-8 महीने 6 महीने की साल भर की जेल होती और इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता जिसे समझ भी नहीं आती। बंसाली कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है। पर क्यों? क्योंकि उसने हम पे भी अटैक करा हुआ, हम भी उस पर मुकदमा दर्ज कराते, पहली बात। दूसरी बात, उस पर उसने वहां परमिशन नहीं ले रखी थी वन विभाग से, और सब परमिशन तो उन्होंने मैनेज कर लिया पर वन विभाग की परमिशन मैनेज नहीं कर पाए, ऐसी की तैसी करा के हम लोग वहां बैठे रहे। उससे वो डर गया 1000%। 2 घंटे तक मैं वहां बैठा रहा जिम्मेदारी लेके, नहीं तो भागने वालों के। वहां डर गया और यहां पर आपने समझौता कर लिया। ये मैं समझौते की बात बता रहा हूं, ये समझौता नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं आपको। वो केवल बात ये है कि जब हमारी बात हुई तो एसपी साहब ने बोला कि पिछली हमने बोला भाई जोधा अकबर सीरियल के टाइम में ये ऐसे ही जैसे ये हाथ जोड़ के जा रहा है बंसाली, वैसे ही एकता कपूर हाथ जोड़ी खड़ी है, चाहे वीडियो आप नेट पे उठा के देख लीजिए। पर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं था, उसका उसके प्रोडक्शन हाउस का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं था जो उनके साइन करे हुए हो और जो जिसपे हमें वो एश्योर करते हो कि हम इसका नाम बदल देंगे, कैरेक्टर बदल देंगे। क्योंकि जोधा अकबर पर लोगों को मालूम ही नहीं है कि दिक्कत क्या है। केवल जोधा नाम की कोई कैरेक्टर नहीं थी, जोधा होते हैं जोधपुर के राठौड़, और राठौड़ों की अगर कहीं ना कहीं जोधपुर के राठौड़ों की इज्जत आबरू दाव पे लगेगी तो मैं तो खुद मारवाड़ का हूं, 1,00,000% नहीं बनने दूंगा। ये हमारा बकायदा, हम कटिबद्ध थे, प्रतिबद्धित थे, और बकायदा उसको उसके बाप जितेंद्र वहां आके हमें अश्योर करके गया, वो क्या नाम रमेश सीपी, उसका मामा जो सोले फिल्म का डायरेक्टर है वो कालवी हाउस आके गया, और ये खुद 15 मिनट तक हाथ जोड़े खड़ी थी कि तो बहुत जेंटलमैन पर्सन है। हमारे आपस में कम्युनिकेशन की वजह से हम ये यहां तक बना लिया। अगर ये मैं कर बोल के जाती हूँ मैं इसको नहीं बनाऊंगी, ये मैं नाम चेंज कर दूंगी, पर हमारे पास लिखित में नहीं था। उसी लिखित का ही एक ये है, लोग इंग्लिश में इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारा एक राजपूत सभा भवन का है जो आप देखिएगा, ये राजपूत सभा भवन की तरफ से दिया हुआ है, ये बंसाली की, ये राजपूत सभा भवन की तरफ से एक लेटर और दिया हुआ है, और ये बंसाली की तरफ से उन्होंने एश्योर कराया, ये आप देख लीजिए। इन दोनों में उनमें भी उनके भी साइन है शोभा संत के, हमारे भी साइन है। क्यों? क्योंकि एसपी साहब ने बोला कि कल को अगर ये मुकर जाते हैं, कुछ गलत फिल्म बना देते हैं तो आप कोर्ट में कैसे चैलेंज करेंगे। तब एसपी साहब ने एश्योर करा वहां नारगढ़ में, जयगढ़ में हम लोग एसपी साहब वहां बीच में बकायदा बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं इनसे लिखवा के दूंगा आपको और इनको जाने दो, क्योंकि मैंने बिठा लिया था मगर ऐसा नहीं छोड़ेंगे, चाहे मरेंगे और मारेंगे। और ये बोला है, आप पूछ लीजिए जाए वहीं, मैं 2-2.5 घंटे वहां बैठा रहा हूं, पूरी पुलिस ने वहां घेर लिया था, तो पूरे करनी सैनिकों ने भी उस पूरे गढ़ को घेर लिया था, किले को घेर लिया था, हम नहीं जाने देते ऐसे बंसाली को। लोगों को थोड़ी मालूम क्या हुआ था, पर ये जबरदस्ती के प्रॉपर कंडा करना हमारा काम नहीं है। और ये जो है लेटर वो इसी चीज का सबूत है कि अगर ड्रीम सिक्वेंस दिखाओगे, लव सिक्वेंस दिखाओगे, कुछ भी दिखाओगे और नहीं चलने देंगे। और दूसरी बात, जो भी बना रहे हो वो हमारे समाज की जो संस्थाएं हैं, जो ये नाम आप देख रहे हैं 5 संस्थाओं के नाम, ये राजपूत सभा भवन है, ये संघ शक्ति है, प्रताप फाउंडेशन है, करणी सेना है, भवान निकेतन है। ये 5 संगठनों का, करणी सेना के अलावा किसी संगठन का वहां लेना देना नहीं था बंसाली के, उसमें महिपाल सिंह मकराना और टीम का था, कोई बकवास करता था, सबके नाटक हैं। पर हमारी एकता दिखे पूरे देश में, राजपूत एक है, यूनाइटेड है, इसी के लिए इन सबको बुलाया था मैंने, क्योंकि आप लोग आइए और ये हमें लिख के दे रहे हैं। आप बताओ ये इससे आप राजी हैं कि नहीं, कि अगर हमें आपको आपके समाज को अपने समाज को दिखा के अगर ये फिल्म ये लॉन्च करता है, रिलीज करता है, तो क्या दिक्कत है। और वो अभी जैसे हमने ये भी मना किया था कि जब तक तू उसका प्रमोशन नहीं कर सकता, अभी लोग बोल रहे हैं कि तुम उसको विरोध क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारे तो ये बात हो गई ना, बात ये नहीं हुई थी, बात ये हुई थी कि प्रमोशन भी नहीं करेगा जब तक फिल्म हमें नहीं दिखाएगा, तू पोस्टर बैनर और कोई ये जो अभी ये जो विजुअल इसने छोटा वो जो चालू करा है प्रोमो दिखा रहा है, तो प्रोमो भी रिलीज नहीं कर सकता जब तक हमें नहीं दिखाएगा, इसलिए विरोध चालू करा है वापस से। और अगर ये नहीं दिखाने की इसकी मंशा में अगर कहीं ना कहीं खोट है तो पूरे देश में राजपूत करनी सेना, मैं अभी खुद 5-7 राज्यों में घूम के आया हूँ, हिंदी भाषी जितने भी देश हैं, जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उसमें महिपाल सिंह और पूरी टीम करनी सेना ही घूम के आई है, इसीलिए कि अगर ये नहीं मानेगा, नहीं अगर ये रिलीज होने से पहले दिखाता है समाज के लोगों को, नहीं दिखाता है, तो 1,00,000% एक चेतावनी रैली हम प्रदेश राष्ट्रव्यापी करने में एक ही दिन, जल्दी उसकी हम तारीख दिखाएंगे और उस दिन बकायदा पूरे देश में वो चेतावनी रैली निकाली जाएगी
और उसके बाद में भी अगर ये नहीं करता तो ये नहीं चलने दी जाएगी फिल्म। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।